बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये अवैस या कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी ताज़ा मैच हम लोग हारे हैं इंग्लैंड से, और कोई बात नहीं, जो बेहतर खेलता है वो जीत जाता है, जो अच्छा नहीं खेलता वो हार जाता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम 160 तक कर लेते ना तो हम लोगों ने मतलब जीत जाना था यार। हमारी बॉलिंग अच्छी है, मुझे ये था कि बॉलिंग पे यकीन था कि हम लोग डिफेंड कर लेंगे, 150 160 तक हम लोग डिफेंड कर लेंगे। लेकिन फिर वही हुआ कि एक जगह पे आ गए हम लोग कोलैप्स कर गए, वही मिडिल ऑर्डर का इशू, वही टेल एंडर्स का इशू, इतने ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। लेकिन जो होता है वो बेहतर ही होता है, हम लोग अच्छा नहीं खेले, इंग्लैंड अच्छा खेला, वो डिजर्व करते थे, वो जीत गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आई होप आज वैसे तो संडे है कि दुकानें खुली होंगी, तो अगर नहीं खुली होंगी तो हम फिर वैसे ही वापस आ जाएंगे, कल या परसों चले जाएंगे। बच्चों के सर्दियों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं है, राफे के पास कोई कपड़ा नहीं है सर्दी का, वासे के कपड़े छोटे हो गए हैं। मुस्तफ़ा चलो फिर राफे और वासे के पहन सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के भी लेने हैं, और मेरे पास भी सर्दियों के कपड़े कोई नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नीचे ड्राइंग रूम में खड़े हुए हैं। ये आप मुस्तफ़ा तो तैयार है, आप तो तैयार नहीं मुझे लग रहे। नहीं, आप नीचे जीन्स पहने नहीं। या कोई अपना पजामा पहने, लोअर पहने, पजामा भी नहीं, निकल, निकल, निकल। चलो पहनो ना जीन्स, नहीं, पहनो नहीं। नहीं, इस तरह नहीं जाना, जीन्स नहीं, इस तरह नहीं जाना, जीन्स नहीं जाना, इस तरह जीन्स में नहीं, सर्दी है बाहर, रात को बहुत सर्दी हो जाती है। चलो पहनो, ठीक है, जल्दी पहनो, मैंने कहा फाइन, जल्दी पहनो, मेरे पास लोअर है, जल्दी पहनो, नहीं पहनो जीन्स, जीन्स अनकंफर्टेबल फील करते, जीन्स नहीं मेरा दिल कर रहा पहनने का। नहीं, फिर मैंने इस तरह लेके नहीं जाना, आप घर पे रहो, आपको नहीं लेके जाना, मेरे पास है ही नहीं। और वासे नहीं जा रहा, सिर्फ मुस्तफा और राफे जा रहे हैं, वासे का दिल नहीं कर रहा जाने का। ओके, बाय बाय। मुझे लगी हुई है थोड़ी सी भूख, में एक ब्रेड का स्लाइस लेता हूँ। और आप क्या कर रहे हैं भाई? आपको तो हर वक्त भूख लगी रहती है, आप रेडी हैं जाना है? मैं रेडी हूँ यार। वो वासे कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीन्स भी मैंने नहीं पहनी, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ उसको, फिर हम छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ आप और मुस्तफा और मैं जा रहे हैं, सिर्फ आप और मैं चलते हैं, ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, चाबी लाओ गाड़ी। अच्छा बुलाओ ना उनको, मजाक ना करो। आखिरकार पहुंच गए हैं, इतना रश है कि मैं आपको बता नहीं सकता, तकरीबन 20-25 मिनट तो हमें मार्केट के अंदर रश के अंदर लग गए हैं, बहुत रश था। तो अभी सीधा जा रहे हैं शॉप के ऊपर, जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी है और निकलना है यहाँ से। आज संडे है और संडे की वजह से इतना रश है, हम पहली दफ़ा यहाँ पे इस मार्केट में, हमें इतना रश नहीं मिला। तो भाई आज बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, संडे था और बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ था, तो हम क्या कर गए हैं, बैकआउट, हम बैकआउट कर गए हैं। आइंदा से संडे या सैटरडे को नहीं आना, संडे सैटरडे को नहीं आएंगे, किसी वीकडे के अंदर आएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, किसी ऐसे दिन आएंगे जिस दिन रश ना हो, और आएंगे दोपहर के टाइम या मतलब 11 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि शॉप्स 11 बजे के बाद खुलती हैं। मुस्तफ़ा का कुछ नहीं लिया, और इसकी एक स्वेटशर्ट ले लिया, और इसका एक ट्रैक सूट ले लिया। तो बस अब हम घर जा रहे हैं, थक गए हैं, शुक्र अल्लाह का। हम लोग जो है ना वो डिफेंस पहुँचे, अभी मेरे में गाड़ी लगने लगी थी और आंटी ने मुझे बचा लिया है, उन्होंने ब्रेक लगा ली है, ये दवाइयाँ ली हैं। मुस्तफ़ा की एंटी एलर्जी है और राफे की एंटी एलर्जी है, और साथ में पैरासीटामोल है बुखार के लिए। ये क्या बंद है, सुड़सुड़ हो रही है, और इनको भी सुड़सुड़ हो रही है, लेकिन मेरा नज़ला पहले था, अब ख़त्म होने वाला। तो गाइस अभी अभी घर पहुँचे हैं, और घर पहुँचते साथ ही हम लोग पहले थके हुए थे और ज़्यादा थक गए हैं। अभी मैंने खाना खाया है, और इन्होंने तो खाया था दोपहर का खाना, खाया था जी, अल्लाह, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। इसने भी दो शॉर्मे मंगवाए हैं चिकन चीज़, उसमें से मैं एक बाइट लूँगा, दो मुझे बहुत स्पाइसी, मैं भी एक बाइट लूँगा। स्पाइसी नहीं होते, स्पाइसी तो फिर मैं नहीं खाता, पापा नहीं होते स्पाइसी, होते हैं प्रॉमिस, होते हैं स्पाइसी, हैं सीरियसली बहुत स्पाइसी होता है वो यार, स्पाइसी होता है, स्पाइसी होता, उसमें से वेजिटेबल हमने निकलवा दिए, चीज है बस उसके अंदर, स्पाइसी तो नहीं होता, स्पाइसी होता है। चलो एक बाइट में लेके चेक कर लूंगा, अगर स्पाइसी हुआ तो फिर मैं दूसरी बाइट नहीं लूंगा, अगर स्पाइसी ना हुआ तो फिर दूसरी बाइट ले लूंगा। नहीं एक बाइट, आपने कहा वन बाइट पर पर्सन, ठीक है, इसका मतलब है एक बाइट आपकी, एक बाइट राफे भाई की, एक बाइट मुस्तफा की, और नहीं, एक बाइट जीरो बाइट्स फॉर एवरीवन, जीरो बाइट्स, इस तरह तो मतलब जीरो बाइट्स, जीरो बाइट्स फॉर एवरीवन, जीरो बाइट्स।
नहीं अब जुबान एक ही होती है बंदे की। हाँ बस हो गया। क्या का वाट जीरो भाई जान जीरो भाई। ये हाथ में क्यों पकड़ा हुआ छितर? क्योंकि मैं इसको मारने लगा था, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। नहीं बदतमीजी तो नहीं कर रहा, हवाई बातें कर रही है। हम बेसिकली हवाई बातें कौन सी होती हैं? पागल है। हम लोग जा रहे हैं हाइट चेक करने के लिए, मेरी हाइट, राफे की हाइट और वासे की हाइट। राफे कह रहे हैं कि हाँ मुस्तफा की हाइट भी हम चेक करने जा रहे हैं। सिर्फ मैं और आप जा रहे हैं? नहीं नहीं वासे भी मैं वेट नहीं करता। अच्छा मेरी बात सुनो, वेट कर लो थोड़ा सा। तो मेरी हाइट, राफे की, मुस्तफा की, वासे की हाइट चेक करनी है। राफे कह रहा है इसकी हाइट रुकी हुई है। मैंने कहा नहीं रुकी नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कई बच्चे होते हैं उनकी नौ साल नहीं, ग्रेड नाइन में हाइट रुक जाती, ग्रेड एट में रुक जाती है, नाइन में मतलब स्लो हो जाती है, रुकती नहीं स्लो हो जाती है। फिर कॉलेज में जाके जो है ना वो हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ क्लास नाइन में पढ़ता था, नाइन और टेंथ में हम लोग साथ पढ़े थे। मैं पढ़ता रहा, एक एकेडमी में था वो, मॉडल टाउन में एक एकेडमी है, हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। तो वो मेरे यहाँ पे आता था, मेरे ना कंधे पे आता था। तो जब वो कॉलेज में गया ना, तो कॉलेज में जाके वो मेरे से भी लंबा हो गया। तो मेरी आई थिंक 6'1" है, तो उसकी 6'2" होगी हाइट, तो मेरे से भी लंबा हो गया। तो मैं उसको ये समझा रहा हूँ राशि को कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हाइट जितनी आपकी बढ़नी है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, तो आप फिक्र ना करो। तो अभी वो बेचारा बड़ा कंसर्न हुआ है हाइट के लिए। चलो फिर आओ यार, चले उसको बुलाओ ना, वासे को, वासे आ जाओ यार। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हाइट चेक करने के लिए, वासे और राफे को खड़े। किधर बताइए, किधर बताइए, किधर बताइए? मेज़नाइन में ना, चले ऊपर, यहाँ मेज़नाइन करीब होता है। मेज़नाइन तो फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे होता है। हम जा रहे हैं हाइट चेक करने। तो गाइस हाइट वगैरह सही तरह चेक नहीं हो सकी राफे को, अभी तक जो है ना वो मसला पड़ा हुआ है। तो राफे को मैंने हॉर्लिक्स लेके दिया, चॉकलेट लेके दी, हॉर्लिक्स लेके दिया है। ये लोग कॉम्प्लान वगैरह पीते हैं, ओवल्टीन पीते हैं, तो राफे नहीं पी रहा और दूध भी नहीं पी रहा था ये। और मुझे दो तीन दिन पहले पता चला कि ये दूध नहीं पी रहा, तो मैंने इसको कहा कि भाई दूध रेगुलरली पीना है, अब आपने अब दूध नहीं छोड़ना, ठीक है ना? दूध में कैल्शियम होती है, हड्डियों के लिए वो बहुत स्ट्रांग होता है, दूध नहीं छोड़ना चाहिए। तो आजकल बच्चों ने ना ये चाय पे कॉफ़ी पे जोर दिया है, दूध पिए इसीलिए कद छोटे रह जाते हैं बच्चों। कॉफी पीना कूल है, कॉफी पीना, हाँ वो बच्चे समझते हैं कॉफी पीना कूल है। आजकल टीनेजर 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, दूध नहीं पीते, हाइटें छोटी, कौम की जो कद है ना कौम के वो छोटे हो रहे हैं, तो दूध पिया करें भाई। अभी अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और वासे दूध पी रहा है, मुस्तफा भी दूध पी रहा है। और गाइस बोथ ऑफ यू उठ जाओ, मैं जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। ओके तो अच्छा मैं वॉक करने जा रहा हूँ और मैं आप दोनों से कह रहा हूँ कि कुंडी लगा लें, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा, उसके बाद फिर आप कुंडी खोल दीजिएगा। ओके तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, अराउंड 30-35 मिनट्स मैं वॉक करूँगा, कोशिश करूँगा इतनी वॉक करने की। पहले तो मुझसे 2 मिनट भी वॉक नहीं हो रही थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट्स अभी मैं कर लेता हूँ, 15-20 मिनट वॉक हो जाती है, कभी कर लेता हूँ कभी नहीं होती। कोशिश करूंगा 30 मिनट्स करूं, 30 मिनट्स वॉक करके फिर वापस आऊंगा। तो मिलते हैं वॉक के बाद। तो मैं वॉक करके वापस आया हूं और यहां पे क्रिकेट हो रही है। और अभी 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 मुस्तफा आउट हुआ है, अभी अभी आउट हुआ है। वेल प्लेड। तो मैंने पूरा आधा घंटा वॉक किया, 30 मिनट्स वॉक किया और घर के पास किया। शीशे पे क्यों मारा है? बेटा ये टूट जाएगा, ये ग्लास उठाओ, ये उठाओ यहाँ से, बॉटल उठाओ, ये क्यों इतना गन डाला हुआ है यहाँ पे, सारा कुछ उठाएं। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये अवैसिया कौन है, अवैसिया कौन है और बच्चे किसको अवैसिया कहते हैं। तो बच्चे यहीं पे हैं, तो मैंने कहा इनसे पूछ लेता हूँ कि अवैसिया कौन है। तो वैसे आप बताओ, मुस्तफा आप भी बताओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अवैसिया हमारे ताए हैं। ताए हैं? कौन से वाले ताए हैं? सबसे बड़े ताए, बिगेस्ट ताया। कितने ताया हैं आपके? तीन। कोई चाचा हैं आपके? नहीं। तो जिनको चाचा कहते हो वो कौन है? वो हमारे ताया हैं। ताया हैं? तो उनको क्यों चाचा कहते हो? क्योंकि आपने कहा है। मैंने नहीं कहा हुआ, वो खुद कहते हैं कि मुझे चाचा कहा करो। तो वो ये लोग जो है ना वो उनको चाचा कहते हैं। तो इनके बिगेस्ट ताए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उनको यैया क्यों कहते हैं। ये जब बहुत छोटे थे ना, तोतला तोतला बोलते थे, मतलब राफे जब बहुत छोटा था तोतला बोलता था, तो उसको ताया नहीं कहना था, तो वो कहता था यैया। तो जब उसने यैया कहना शुरू किया, तो फिर ये लोग बड़े हो रहे थे, ये लोग भी यैया कहना शुरू हो गए। तो अभी तक ये यैया कहते हैं,
तो वो ये तेजी में ना यया बोल देते हैं, यया। तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो उनका नाम अवैस है, तो उनको बोलते हैं अवैस यया। तो ये इनके ताया हैं। एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आप रिएक्शन वीडियोस क्यों नहीं बना रहे उसके ऊपर, सितारा यासीन के ऊपर और उसका जो वो भी है, वो जो हस्बैंड है उसका घूंचू, उसके ऊपर आप क्यों नहीं रिएक्शन वीडियोस बना रहे? देखिए मेरा ये चैनल है ना, ये बेस करता है व्लॉगिंग के ऊपर। व्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया था, 700 से ऊपर व्लॉग्स हैं, बाकी कुछ रिएक्शन वीडियोस हैं। तो बात यह है इसके ऊपर व्लॉग्स ही आएंगे। मेरा दूसरा चैनल है शुएब कासिम ऑफिशियल के नाम पे, उस पर रिएक्शन वीडियोस आ सकती हैं, उस पर रिएक्शन वीडियोस भी आएंगी और वीडियोस भी आएंगी उसके ऊपर। तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, तो शुएब कासिम ऑफिशियल को जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे रिएक्शन भी आएंगे, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आएंगे और डिफरेंट करंट इश्यूज पे भी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। कुछ चीज तोड़नी है आप लोगों ने? अल्लाह हाफिज। हैं कुछ चीज तोड़नी है राफे वासे? लग तो रहा है कि इन्होंने शीशा तोड़ने। चलें बस करें, क्रिकेट ऑफ।